वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, गंदी बात, सब्सक्राइब करो। तो हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने का वाले बहुत ही हैं। शानदार टॉपिक, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, बता रहा हूँ मैं। और जो मैंने एक सवाल पूछा था अपना, 1 से 1 मिनट का जो वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा था। दो मैंने गुब्बारे लिए थे और फिर ये जंतर मंतर जादू वादू पढ़ा था, फिर तुमसे पूछा था कि बताओ इसका ऐसा कौन सा साइंस का इसमें फैक्ट काम करता है। तो वो भी मैं बताने वाला हूँ कि वो एक्चुअली क्यों हुआ कि दोनों गुब्बारे अब भागने लगे, फिर जो टेप का मैंने रोल लिया था और टेप का रोल भी इधर उधर भग रहा था, तो क्या रीज़न है उसके पीछे। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो जो हमने आपको बताया था बैलून वाला, उसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5-10 मिनट का होगा। ठीक है, तो आप पहला जो चैप्टर है ना फिजिक्स का 12th का, वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आगे यहाँ पर देखते हैं वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या होती है। वैद्युत आवेश की डेफिनेशन होती है धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिख करके आना है, ये सब ऐसे ही बताने के लिए है, आपको ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है। आपको डेफिनेशन लिखनी है किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें वो अपनी ओर आकर्षित करता है, अपने ओर अट्रैक्शन का गुण रखता है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थैल्स, उन वैज्ञानिक का नाम था थैल्स, जो कि यूनानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थैल्स। और लगभग 2500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थैल्स। उन्होंने क्या किया था, एक अंबर नामक एक पदार्थ लिया था। ये मान लो कोई पदार्थ है जो कि अंबर की तरह है, और ये मैंने ऊन बना दिया है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, विश्व प्रसिद्ध ड्राइंग है। तो ये मेरा ऊन है, ऐसा इमेजिन करना कि ये मेरी ऊन है। इस ऊन को इस अंबर पर जैसे ही वो रगड़ते हैं, तो उन्होंने पाया कि जो अंबर है ना, वो अंबर छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर वो अट्रैक्ट करता है, छोटी छोटी जैसे कागज़ हो गया, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से उनके मन में एक गजब का कॉन्सेप्ट आया कि वैद्युत आवेश छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखो, धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश, अच्छा, वैद्युत आवेश को हम डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं क्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो अगर मैं मान लूँ कि वैद्युत आवेश मेरा क्यू है, वैद्युत आवेश मेरा क्यू है, और बोल रहा है धारा, धारा को मैं आई से डिनोट करूँगा, आई से ही करते हैं, और समय के गुणनफल को तो बीच में लगाऊंगा गुणा, और समय बोल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू टी, यानी क्यू बराबर आई इंटू टी। ये होता है क्यू, क्या होता है वैद्युत आवेश होता है, धारा क्या होती है आई होती है, समय क्या होता है टी होता है। तो हमने क्यू बराबर आई इंटू टी लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा अगर कोई नाम नहीं होगा तो तुम्हें कोई कैसे बुलाएगा, ओ यहाँ आओ, है यहाँ आओ, यहाँ जा। मतलब जब तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है, मान लो कोई ऐसा बंदा जो हमारे पास आता है और उसको हमारा नाम नहीं पता, तो हमको क्या बोलेगा, ओ भैया, ए भैया, इधर आओ, यहाँ सुन, मो बात मो सुन, कहाँ जा था फलान ढिकान। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति का इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसके नाम जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें वैद्युत आवेश के बारे में पहले हमने दे दिया, भैया इसकी क्वालिटी क्या है, क्यू है। वैद्युत आवेश क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, धारा आई से प्रदर्शित की जाती है, समय टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो क्यू है ना, क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है। अब भाई साहब, आई, आई का मात्रक क्या होता है, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है बाबू, सेकेंड होता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हुआ, तो तुम लोग आसानी से बताओगे कि वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। लेकिन एम्पियर इंटू सेकेंड हमने तो कूलाम पढ़ा था, ये तो गलत बता रहे हो, मज़ा नहीं आ रही भैया। देखो, एम्पियर इंटू सेकेंड ये इसका मात्रक होता है, और इसी को हम बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं, कूलाम, इसी को बोलते हैं। ये ऐसे मत लिखना, तुम लोग सोचोगे अपॉन में कूलाम लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कूलाम। यानी कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हुआ, वैद्युत आवेश का मात्रक हुआ कूलाम। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ। ठीक है, अब हम इसकी बीमा की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी बीमा कितनी होती है ना। तो देखो, क्यू क्यू बराबर हमने लिख लिया, आई की बीमा कितनी होती है, आई की बीमा होती है ए, आई की बीमा क्या होती है, ए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए, क्योंकि आई
आई का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, उस हिसाब से हम एम्पियर से जो होता है वो हमारे हमेशा बीम आती है, तो एम्पियर का ए हो गया, और टी यानी समय, और समय का होता है सेकेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, तो ए इंटू टी हो जाएगा किसका मात्रक, ये हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगी किसकी, वैद्युत आवेश की, ये हो जाएगी बीमा, और ये हो जाएगा वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड, और वैद्युत आवेश की जो बीमा होती है ए इंटू टी होती है। तो बीमा और मात्रक हमने पढ़ लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हमने यहाँ पर देखा जो वैद्युत आवेश होता है ना, वो दो वैद्युत आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान से देखो। जो पहला चार्ज होता है उसको बोलते हैं धनात्मक, दूसरे को बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। वैद्युत आवेश कितने टाइप के होते हैं, एक उदासीन भी होता है, बट वो चार्ज की गिनती में नहीं आता है। तो पहला आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जो हमारा धनात्मक आवेश होता है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे भाई साहब, प्लस से लिखेंगे, ऋणात्मक को कैसे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है माइनस, यहाँ पर लिखा है प्लस, यहाँ पर लिखा है माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस प्लस, इनका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इनका क्या होगा। यार मुझे ये बताओ, क्या कहीं एक कक्षा में दो होशियार रह सकते हैं क्या, नहीं। एक जगह पर दो विद्वान रह सकते हैं क्या, नहीं। तो भाई साहब ये विद्वान है दोनों, प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं रह सकते। इसका मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को, प्रतिकर्षित करेंगे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक नंबर का, आपके जब आपका एग्जाम होगा तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि प्लस प्लस के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो आपको बोलना है प्रतिकर्षित, माइनस माइनस प्रतिकर्षित। अब देखो, एक ज़्यादा होशियार है एक कम होशियार है, एक कम होशियार एक ज़्यादा होशियार है, अलग अलग है, तो कॉम्बिनेशन बनता है। जब कॉम्बिनेशन बनता है भाई साहब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आकर्षित, और यहाँ पर भी हो जाएगा आकर्षित, करते हैं आकर्षित करते हैं, और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो प्रतिकर्षित कर देंगे। तो मैं होप करता हूं कि वैद्युत आवेश आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत आवेश होता क्या है। भैया धारा और समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली चीज की बात करूं तो प्रैक्टिकली इसको बोलते हैं, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं तो प्रैक्टिकली ये हो जाता है कि वैद्युत आवेश एक किसी भी वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तुएं अपनी छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को अपने एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके मात्रक, इसका फॉर्मूला तो Q बराबर I इंटू टी होता है। एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है Q बराबर एन ई होता है। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, तो एक ये जो होता है ये हमेशा न्यूमेरिकल पर यूज होता है बहुत ज़्यादा, और इससे न्यूमेरिकल आते हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसको बोलते क्या है, कूलाम बोलते हैं। अब यहाँ पर Q बराबर A इंटू टी, बीमा दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश, प्लस वाला और माइनस वाला। प्लस प्लस के दोनों होशियार हैं, आकर्षित नहीं करेंगे, एक होशियार है एक कम होशियार है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये मैंने बता दिया। अब हम रिवील करने वाले हैं जो दो बैलून्स होते हैं उनका यहाँ पर क्या था। तो जस्ट अ मिनट, अरे भैया कहाँ गए बलून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने बताया था ये दो गुब्बारे मैंने लिए, अब इन दो गुब्बारों से पहले मैंने किया कि भैया देखो क्या इन पे कोई भी कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, नहीं ना। मैंने जैसे उनको लटकाया ये वैसे ही लटके हुए हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई नहीं हिल रहा ना कोई डुल रहा, मैंने एकदम सानिस कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने इनको अपने बालों पर रब किया, ये मुझे करना पड़ रहा है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तुमको लग रहा होगा कि भैया क्या कर रहे हैं, पर भैया को ऐसा करना पड़ेगा भाई, तुम लोग तभी तो समझोगे, नहीं तुम बेसहूर बहुत ही हो ना, तुम पर समझ नहीं पाते हो जल्दी, तुमका समझाओ खातिर दुनिया भर की चीज़ें करने का परत है। ठीक है, तो अब भाई साहब देखिएगा, ये आप देख सकते हो ये एक दूसरे से कैसे दूर भाग रहे हैं, ये देखो ये एक दूसरे से कैसे दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं ना। तो यही चीज़ है, पहले ये दोनों गुब्बारे न्यूट्रल थे, क्या थे,
न्यूट्रल। और जैसे ही मैंने इनको अपने बालों पर रब किया तो इन पर चार्ज आ गया, क्योंकि आवेश की परिभाषा क्या होती है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जब न्यूट्रल होगा तो कुछ नहीं होगा। अब देखो, इसमें अगर प्लस प्लस के चार्ज होते दोनों में तो दूर भग जाते, दूर भगते। माइनस माइनस के दोनों में प्लस माइनस के होते तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। क्या करते? अट्रैक्ट करते। तो चार्ज समझ में आया, आवेश समझ में आया, मतलब रब करने के बाद अगर इसमें प्लस प्लस के चार्ज होते तो एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते, माइनस माइनस के चार्ज होते तो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते, लेकिन अगर अलग अलग चार्ज हैं तो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है चार्ज का खेल, कि ये मैंने जो पूरा बताया ये वैद्युत आवेश है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आपको याद क्या चीज़ें करनी है, ये फॉर्मूला, ये इसको और इसकी बीमा और ये वाला फॉर्मूला, है तीन चीज़ें आपको याद करनी है जो कि आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कई के जहाँ का है ना, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, गंदी बात, सब्सक्राइब करो।